बरेली में ईद मनाने के लिए लूट करने के लिए निकले लुटेरों को सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस टीम के साथ महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। लूट में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फरार चल रहे दो आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 80,000 रुपए, दो एटीएम कार्ड और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाँ, कल शाम लगभग 7:20 के आसपास थाना कोतवाली के सिविल लाइंस एरिया में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जिसके बाद करीब लगभग 8 के आसपास पुलिस के पास डायल 112 के माध्यम से सूचना आई। उसके बाद तत्काल मैं स्वयं इंस्पेक्टर कोतवाली और हमारी एसओजी की टीम मौके पर पहुंची। उसके पश्चात हम लोगों ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज वहां पे खंगाले गए, और जो घटना के समय जिस जगह पे घटना हुई थी वहां पे तीन लोग उपस्थित थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें से जो एक व्यक्ति राहत सनाफ नफीस खां, जिसकी पूछताछ के दौरान जिसकी गतिविधि थोड़ी सी संदिग्ध लगी। उसके बाद जब उससे फिर पुनः थोड़ी हम लोगों ने शक्ति से पूछताछ किया तो उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, और उसने ये कहा कि मैं अपने छोटे भाई और उसके तीन दोस्तों के साथ मिल के ये घटना साजिशन हमारे द्वारा की गई है। जब उससे ये हम लोगों ने पूछा कि इस घटना राहत उसी फर्म में पिछले 6 से काम कर रहा था, तो उससे ये पूछा गया कि आपने ये घटना क्यों कारित की, तो उसने ये उसका ये कहना था कि ईद का त्यौहार सामने था और हम लोगों को कुछ पैसों की दिक्कत थी, तो हम लोग ईद का त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए इस घटना को हम लोगों ने अंजाम दिया। कितने पैसे लूटे थे? लगभग 1,00,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें से 80,000 रुपए बरामद भी हो गए हैं। सर, ये लूट जिस जगह हुई है इसके मालिक कौन है? इनसे लूट हुई है। मालिक हैं फराज हाशमी हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेटल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है। उनके साथ ये उनके फॉर्म में ये घटना हुई। ये ऑफिस कहाँ पे है इनका? ये ऑफिस इन